अब अपन निकालेंगे रिडबर्ग कॉन्स्टेंट ठीक है उसके लिए पहले अपन निकालेंगे एनर्जी डिफरेंस वन इलेक्ट्रॉन जम्प फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर तो वहां से फिर आएगा देखो भाई तो पहले लेट अस अज्यूम इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम एनर्जी स्टेट एन वन टू एन टू पहले एन वन ऑर्बिट में था बाद में किसी एन टू ऑर्बिट में चला गया तो अपन बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टेट एन वन पहले एन वन ऑर्बिट में एनर्जी कितनी होगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इन जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर सेकेंड जब एन टू चला गया तो एनर्जी कितनी हो जाएगी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इन जेड स्क्वायर बाई एन टू स्क्वायर क्योंकि यही तो फॉर्मूला एनर्जी का है किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी क्या होती है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकाली है अपन ने माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर एन वन स्क्वायर जब एन वन है तो एन वन रख दिया जब कोई भी एन टू में चला गया तो एन टू रख दिया अब अपन निकालते हैं एन चेंज इन एनर्जी इन ए जम्प डेल्टा ई तो जब जंप होगा कोई भी एन वन से एन टू डेल्टा so, जो होगा फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी वैल्यू आएगी फाइनल एनर्जी कौन सीड स्क्सू माइनस ई वन तो मैं माइनस अब ये ई वन एनर्जी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू जेड स्क्वायर बाई एन वन स्क्वायर तो यह आगे डेल्टाइट इज चेंज इन एनर्जी वन इलेक्ट्रॉन जम्स फ्रॉम एन वन ऑर्बिट टू एन टू ऑर्बिट माइनस वन बाई एन वाइन इसको देख रहा, हैं रहा आप पहुंच रहे वहाँ अपना वो जो फॉर्मूला था वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर पर आ गया तो ये चेंज इन एनर्जी होता है जब भी इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पर जाएगा ई वी के अंदर ठीक है अच्छा इसको ये अपन ऐसा ये सब कौन सा थर्टीन पॉइंट सिक्स तो कॉन्स्टेंट है ठीक है तो कॉन्स्टेंट रख दे रहा है इसको आर जेड स्क्वायर इंटू वन बाई एन वन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर इसको देखो ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट वैसे ही जो अपन ने बोला लेकिन ये एनर्जी के टर्म में तो इसको अपन बोल, e, बोल सकते हैं रिडबर आर ई रिडबर कॉन्स्टेंट फॉर एनर्जी बोल सकते हैं बट ये तो वाइडली इसको मैं हाईलाइट नहीं कर रहा हूं इसको रिडबर्ग कॉन्स्टेंट इन जनरल नहीं बोलते हैं ठीक है आगे आने वाला वन बाई इलेवन वाला जो है वहां आप बोलेंगे सो so, तो डेल्टा ही आ गया जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे में जम कर रहा तो चेंज इन एनर्जी जो हो गया वो आ गया और एक बार चेंज इन एनर्जी आ गया तो ये पता पड़ गया इस एनर्जी का फोटोन या तो एमिट होता है या एब्जॉर्ब होता है चेंज इन एन एनर्जी आ गया यही चेंज किस चीज के बराबर होता है फोटोन एमिटेड या फोटोन एनर्जी एब्जॉर्ब के बराबर होता है तो अपन बोल सकते हैं भाई एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब सेम चीज बस मॉट लगा दो क्योंकि चेंज इन एन एनर्जी नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है अगर हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी कम हुई है डेल्टा ई -E नेगेटिव आएगा लोअर से हायर गया है डेल्टा ई पॉजिटिव आएगा हमें उससे मतलब नहीं है हमें अगर पता है कब होता है और एबजॉर्ब कब होता है अपन तो मैग्नीट्यूड देख ले रहा है मॉड लगा दे रहा है डेल्टा ई का मॉड होगा एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब तो अपन बोल सकते हैं और ई क्या होता है एच सी बाई लेमडा यहां तक समझ में आ रहा है क्या बोल क्या बोल रहा हूं मैं डेल्टा डेल्टाई जो आ गया ये डेल्टा ई का मॉड हो जाएगा क्या एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब तो यही फॉर्मूला बन गया बस मॉड लगा दो इसमें तो ये फॉर्मूला बन गया फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन एमिटेड या एब्जॉर्ब अगर डेल्टा ही निकालोगे तो ये याद रखना पड़ेगा पहले एन टू में और एन वन माइनस और मैं तो कह रहा हूँ कि दिमाग लगाओ तो ये भी याद नहीं करना पड़ेगा तुम तो मैग्नीट्यूड निकालो यहाँ से तुम्हें पता है डेल्टा ई हायर से अगर लोअर ऑर्बिट में आता डेल्टा ई नेगेटिव होता है क्योंकि एनर्जी कम हो रही है लोअर से हायर जाएगा तो डेल्टा ये पॉजिटिव आना है क्योंकि एनर्जी बढ़ रही है डैट्स एट साइन भी देखना पड़ेगा उसमें दिक्कत आती है बच्चों कई बार एनर्जी ऑफ फोटोन फोटोनिटेड ऑब्जॉर्ब डेल्टा ई का मॉड ठीक है और ई एनर्जी कैसे निकालते हैं एच सी बाई लेमडा से एच सी बाई लेमडा एनर्जी डेल्टा ही एनर्जी ऑफ फोटो एच सी बाई लेमडाजर्टीन सिक्सर समझ में आ रहा है इज इक्वल टू ये पूरा कॉन्स्टेंट आर माइनस मैंने रख दिया फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने मोड लगाया एन टू जेड स्क्वायर वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर का मॉड वन बाई एलेमडा कर दिया और यही क्या होता है वेव नंबर याद है वन बाई एलेमडा वेव नंबर तो मैंने एक साथ लिख दिया तो वन बाई एलेडा इज इक्वल टू वेव नंबर इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस आर जेड स्क्वायर वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर आ गया आ गया वो फॉर्मूला जहाँ से पूरा बोर्ड्स मॉडल आया है समझ में आ रहा है और अगर ये फॉर्मूला आया है तो वो चीज़ें एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैच कर रहा है और अगर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को मैच कर रहा है तो अपन ने जो कुछ किया है वो सही है बट हमें दिख रहा है डेरिवेशन के समय वो तभी पूरा सही है जब एटम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक हो वरना फॉर्मूला लगा ही नहीं पाएंगे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे सो वी हैव अज्यूम्ड बोर पॉस्टोलेट अप्लाइड द करेक्ट मैथमेटिक्स यूज एड एंड ड्राइव द फॉर्मूला विच जो नेचुरली करेक्ट होता है जिससे आंसर आते हैं समझ में आया जिसको नेचर का जो ऑब्जर्वेशन है वो मैच करता है तो जो कुछ पढ़ा है वो अपन का सही है और ये फॉर्मूला आ गया दैट्स इट समझ में आ रहा है मैच लगाते गए बोर्ड ने जो बोला ये मान लो करते गए आ गया जो मैच करता है जो हमने माना है वो सब कुछ सही है और ये इन ऑनर ऑफ रिडबर्ग ये जो कॉन्सेंट है 13.6 पॉइंट डिवाइडेड बाय एच इसको आर बोल दिया है और 1 बाय लैम्डा डाई वेव नंबर होता है दैट्स इट तो वन बाई इलेमडा इज इगल टू तो वेव नंबर इज ईगल टू मॉड माइनस आर जैड स्क्वायर वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाय एन वन स्क्वायर आर मॉड क्यों लगा दिया मैंने फॉर्मूलाई बस याद बच्चों के लिए मतलब अपन को दिक्कत ना आए वरना बच्चे सर एन टू कौन सा पहले आता है एन वन कौन सा फर्क नहीं था लेमडा कहाँ से नेगेटिव होगा भाई अगर नेगेटिव आई तुमने गलती कर दी कि पॉजिटिव कर दो पॉजिटिव आई तो सब सही किया बहुत अच्छी बात है कोई दिक्कत नहीं है वन बाई एमंडा वेव नंबर हो गया ठीक है फिर अपन फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं सी बाई लेमडा क्या होती है फ्रीक्वेंसी याद है तो अब अपन जो फोटोन निकला है उसकी एनर्जी भी निकाल सकते हैं उसका वेवलेंथ भी निकाल सकते हैं वन बाय लेमडा इज इक्वल टू और आ, बताता हूँ आर का कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या है बट लेमडा भी निकाल सकते हैं वो जो फोटो निकल रहा है या एब्जॉर्ब हो रहा है उसका वेवलेंथ क्या है आर की वैल्यू होती है वन जीरो नाइन रिडबा कॉन्स्टेंट इन दिनर ऑफ मिस्टर रिटबाग जिसने उस बताया था स्टार्टिंग में आर इज टू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट सेंटीमीटर इनवर्स में बहुत गलती करते हैं ध्यान रखना आर की वैल्यू ये यूज करनी होती है वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट और इट एक्चुअली इन्वॉल्व लॉड ऑफ कैलकुलेशन अगर ये यूज़ करोगे सवाल करना है तो एनर्जी से करना बड़ा आसान होता अपन करेंगे सवाल उसके बिना नहीं सीख सकते सवाल करेंगे तब समझ में आएगा इट इज इजी टू डू इट इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रेदर दैन इन टर्म्स ऑफ दिस फॉमूला ठीक है बट ये फार्मूला होता है रेड बाय कॉन्स्टेंट बोलते हैं इस कॉन्स्टेंट को आर आर की वैल्यू वन जीरो नाइन सिक्स सेवन एट सेंटीमीटर इनवर्स होती है मैंने मॉडल लगा दिया है फॉर्मूले में बिकॉज वरना कंडीशन लगा दिक्कत ना है वरना कंडीशन लगानी पड़ेगी भाई यहाँ से वहाँ तो ये यह, यहाँ से वहाँ तो ये लोअर से हायर में तो ये फॉर्मूला क्योंकि लैम्डा नेगेटिव नहीं होना चाहिए यहाँ से यहाँ करेंगे तो ये फॉर्मूला आएगा दिमाग लगाओ ज़्यादा आसानी से ठीक है फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं सी बाई लेमडा इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी हो गई सी से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस सी आर जेड स्क्वायर वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन फॉर्मूलेस no, जो अपन को यूज करना है डेल्टा ही ये तो एक फॉर्मूला यूज करना है बाकी सब ये याद करना है ठीक है बाकी दिमाग लगा सकते हैं डेल्टा ही माइनस का फर्क नहीं पड़ता ठीक है अपन को पता है बट फिर भी माइनस थर्टीन पॉइंट सिक्स इंटू वन बाई एन टू स्क्वायर माइनस वन बाई एन वन स्क्वायर दिस बिकम्स फॉर्मूला फॉर डेल्टा ही बस वहाँ सब आ गया ये डेल्टा ही e, इसी एनर्जी का डेल फोटोन निकलेगा यह एबजॉर्ब होगा भाई एनर्जी ऑफ फोटो एमिटेड है एबजॉर्ब हो गया फिर अगर एनर्जी निकालनी है वेवलेंथ वगैरह निकालनी है सॉरी तो अपन एच सी बाइ लैमडा करके निकाल लेंगे एनर्जी आ गई एच सी बाई लैमडा करके ज़्यादा आसानी से बट फिर भी अगर फार्मूला पता करना है